तो जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल खेला गया अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच, अब शायद अब सबको पता लग गया होगा कि दक्षिण अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और बेचारी जिस टीम ने इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंची है, वो शिकार सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की नहीं हुई है, बल्कि जो विकेट था उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जो विकेट था वहां पर लगातार अनइवन बाउंस था, तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी वहां पर मदद दिखाई दे रही थी, कभी बॉल बिल्कुल नीचे जा रही तो कभी अचानक से ऊपर जा रही थी। जब दक्षिण अफ्रीका भी बैटिंग करने आई, मुश्किल से 4 या 5 गेंदों का सामना किया क्विंटन डी कॉक ने, लेकिन उनके कमर पर जाकर के बॉल लगी और जाकर के चेस्ट पर ये बॉल लगी है। और हालांकि इसमें अफगानिस्तान एक छोटी टीम है, इस पर बहुत सारे सवाल नहीं उठेंगे, आप कर सकते हैं, उस पर कुछ ज़्यादा एक्शन होने वाला नहीं है। ICC का ये टूर्नामेंट था, ICC खुद इसे ऑर्गेनाइज कर रहा था, अब शिकायत आखिर अफगानिस्तान करे तो किससे करे। अगर ये स्थिति भारत के साथ हो तब फिर जाकर के कुछ चीज़ें वहाँ पर खुद BCCI एक्शन में आएगी, फिर ICC को झुकना पड़ सकता है। और अगर भारत ऐसा होता, बहरहाल भारत नहीं था, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान थे, अफगानिस्तान शिकार हुई है, अब बहुत बेहतर टीम खेल रही थी। हालांकि इस बात में भी बिल्कुल भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो अफगानिस्तान की बल्लेबाजी है वो इतनी बेहतर है नहीं, ना इस टूर्नामेंट में रही है, और गेंदबाजी के कंपेयर में ख़राब जरूर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विकेट था उसको भी श्रेय जाता है अफगानिस्तान की जो हार मिली है उसके लिए। अफगानिस्तान तो है ही जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, लेकिन इसमें विकेट का भी बहुत बड़ा योगदान है। और दक्षिण अफ्रीका की तारीफ है करनी होगी निश्चित तौर पर उनके तेज गेंदबाजों की, चढ़ करके जो गेंदबाजी करी है और सीधे जा करके T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में टीम पहुंच चुकी है, पहला सेमीफाइनल इस टीम ने जीता है। और 29 जून को जो भी टीम भारत और इंग्लैंड के बीच है जो आज मुकाबला खेला जाना सेमीफाइनल 2, इस पर जो भी जीतेगी वो दक्षिण अफ्रीका के साथ 29 जून को फाइनल खेलेगी। हो सकता है इस बार एक नया चैंपियन आपको देखने को मिले। दक्षिण अफ्रीका बहुत बेहतर खेल रही है, उसमें देखो मार्को जॉनसन है, कगिसो रबाडा, नॉर्च हैं, बहुत बेहतरीन तेज गेंदबाजी है। और अमेरिका और जो वेस्ट इंडीज में टूर्नामेंट लगातार खेला जा रहा वहां पर तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी मदद भी दिखाई दी है। लेकिन खुशी की बात है दक्षिण अफ्रीका के लिए, बड़े स्टारों से सजी टीम कभी भी ICC इवेंट के इस टीम ने फाइनल में प्रवेश नहीं किया है। एक बार चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचे जरूर थे, लेकिन वहां पर भारत के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। एक लंबा अरसा होगा इस टीम को ICC इवेंट के फाइनल में पहुंचे हुए। और एडन मार्करम की जो ये टीम है ये बहुत बेहतर खेल रही है, इसकी मेंटेलिटी जो है वो डिफरेंस और टीमों से चढ़ करके आंख में आंख डाल करके जो क्रिकेटर्स हैं वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। यही एक कारण है कि ये जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है ये अलग लेवल पर खेलती हुई नजर आ रही है, इसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, इसने उतार चढ़ाव भी झेले हैं, लेकिन जिन हालातों से लगभग हारे हुए मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने जीती है वही एक बड़ा रीजन है कि आज दक्षिण अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली